हेलो एवरीवन, आई एम गायत्री शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासरूम विद गायत्री। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिनमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा जाता है, और फिर हमने देखा एक क्या टाइप होते हैं अनबैलेंस एंड बैलेंस। एंड फिर हमने एक क्वेश्चन देखा था कि नॉर्थ वेस्ट मेथड कैसे सॉल्व करेंगे बैलेंस वे में। तो जो क्वेश्चन हमने लिया था उसी को ही सारे के सारे मेथड्स में हम करेंगे, ये भी हमने बोला था। अब नाउ आज हमने लिया है टॉपिक अनबैलेंस नॉर्थ वेस्ट मेथड। ओके, अनबैलेंस नॉर्थ वेस्ट मेथड, मैंने क्वेश्चन यहां पर लिख लिया है। अनबैलेंस, जैसे मैंने आपको बताया था, होता क्या है, जब आपकी सप्लाई इज नॉट इक्वल टू डिमांड होती है, आपकी सप्लाई और डिमांड दोनों अलग अलग हैं, उनका जो एडिशन है वो अलग आता है, तो इसका मतलब वो अनबैलेंस नॉर्थ वेस्ट मेथड है। तो देख लेते हैं क्या ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो आवर फर्स्ट स्टेप इज सॉल्यूशन, हम लिख लेते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा है चेक वेदर whether demand or we can write problem is balance or unbalance, problem is balance balanced or unbalance। okay, हम पहला स्टेप करके देख लेते हैं कि कैसे फाइंड आउट होगा। यहां पर हम देख लेते हैं डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है कि नहीं, तो वी विल राइट डिमांड 7 + 3 + 6 + 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 5 + 6 + 3 + 6। ओके, 10 and 8 = 18, 11 and 9 = 20। तो यहां पर आप देख रहे होंगे डिमांड आपकी सप्लाई के बराबर नहीं है, इट्स मीन इट्स अनबैलेंस प्रॉब्लम, ये अनबैलेंस प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे बैलेंस बनाना। ठीक, अब बैलेंस बनाने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल अगेन मेक दिस बॉक्स 2, 3, 4। ओके, ज्यादा हुए, लेट मी चेक। यहां पर क्या है, डिमांड क्या है, कम। जैसे पहले वीडियो में बताया था कि डिमांड अगर कम होगी तो हमें उससे बैलेंस करना होगा, अगर सप्लाई कम होगी तो उसे बैलेंस। तो वी कैन सी कि सप्लाई यहां है और आपकी डिमांड यहां पर है। ओके, सप्लाई यहां पर है, डिमांड यहां पर है, सप्लाई हमारी कम है, इट्स मीन ये वाला पार्ट क्या है आपका, डिमांड आपकी 18 है, इसको 2 बनाना, इसको 20 बनाना है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए था, एक और रो ऐड होनी चाहिए थी कि 2 करेंगे तो तब ये 20 by 20। इट्स मीन हमारी कहां पर ऐड होगी, रो हमारी ऐड होगी। ठीक हो गया, समझ में आया कैसे होता है। अगर अभी नेक्स्ट मैं आपको बताती हूं कि डिमांड अगर कम है तो हम इधर कॉलम को ऐड करेंगे, अगर हमारी सप्लाई कम होगी तो आप इधर रो ऐड करेंगे। ठीक है, कैसे ऐड करते हैं देखिए। नाउ वी विल राइट 2, 1, 2, 3, 11, 7। पहले वही चीज लिख देंगे जो क्वेश्चन में है, 3, 3, 4, 4, 6, 3, 5, 1, 2, 6, 2, 1। नाउ 7, 3, 6, 2 एंड सप्लाई इज 5, 6, 3, 6। अब ये क्या थी, ये तो पूरी टू इक्वल टू अगर आप लिखते थे ये 20 थी, बट दिस इज ओनली 18। इट्स मीन हाउ मेनी लेस डिमांड,
कितनी थी? आप क्या करेंगे, जो भी बिगर होगी सप्लाई माइनस डिमांड कर देंगे आप। सप्लाई आपकी 20 थी, डिमांड आपकी 18 थी। इट्स मीन वी नीड टू अनदर रिक्वायरमेंट। तो आप समझ गए कैसे करना है। अब ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। नाउ अब ये कौन सी रो है? दिस इज डमी रो। जैसे यहां पर लिखा है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, देन यू विल राइट हेयर डमी। ओके, डमी रो हमने इसको क्रिएट किया है एंड यहां पर क्या पुट कर देंगे, सभी जगह जीरो पुट कर देंगे। हमने इसको बैलेंस कर दिया है, ठीक हो गया। अब बैलेंस हो गया। नाउ अगेन क्या है, अब बैलेंस हो चुकी है और नॉर्थ वेस्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था बैलेंस कैसे परफॉर्म करते हैं, सेम एज इट इज यहां भी करेंगे। नाउ डिमांड इज 7, सप्लाई इज 5, तो हमारी डिमांड 5 की फुलफिल हो सकती है, 2 अभी भी बचेगी। तो हमने क्या करा, 5 इसको प्रोवाइड कर दी। इट्स मीन दैट रो इज कैंसिल आउट, पूरी की पूरी रो कैंसिल आउट हो जाती है। अब नॉर्थ वेस्ट कहां बच गया, यस, एंड व्हाट वी विल डू, यहां से 7 माइनस 5, क्योंकि 5 हमने दे चुका है, तो अब क्या कितना बच गया, ओनली 2, आपकी 2 बच गया है। नाउ नेक्स्ट, ये नॉर्थ वेस्ट आ गया क्योंकि ये पूरी की पूरी रो हमारी डिस्कार्ड हो चुकी है। नेक्स्ट 2 एंड हेयर 6 सप्लाई, तो जो मिनिमम होगी उसे आप यहां पर लिख देंगे। ये हो गई पूरी की पूरी रो कैंसिल आउट हो गई है और यहां पर कितना बच गया अभी, 4। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ये बहुत इजी है। अब आपने देखा होगा ये भी हमारा कैंसिल आउट हो चुका है, ये भी हमारा कैंसिल आउट है, तो नॉर्थ वेस्ट क्या बच गया, दिस इज आवर नॉर्थ वेस्ट, हमारी इतना सा रो बच चुकी है। नाउ हियर डिमांड इज 3 एंड सप्लाई इज 4, डिमांड 3 है और सप्लाई 4 है। अब हमने क्या करा, मिनिमम आपका क्या है, डिमांड है और वो कितनी है, 3 है। वी हैव गिवन 3 हेयर और ये रो हमारी पूरी की पूरी कैंसिल है, फिर भी अभी क्या बचा है यहाँ पर, 1 अभी भी सप्लाई बची है, तो ये रो हमारी क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो चुकी है। नाउ रो नॉर्थ वेस्ट सबसे मिनिम कौन सा बचा, दिस, तो हमने क्या करा, यहाँ कितनी है, सप्लाई 1 एंड डिमांड इज 6, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो वी विल पुट हेयर 1 जो मिनिमम वैल्यू होगी सप्लाई की, ठीक। इधर कितना हो गया, 5, वी विल कैंसिल आउट दिस 1, इसे कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के साथ ये पूरी की पूरी रो हमारी कैंसिल हो चुकी है। नाउ नॉर्थ वेस्ट ये सबसे मिनिमम है, सबसे नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर पहुँच गया है, 3 एंड 5, तो मिनिमम 3 है, तो वी विल राइट हियर 3, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया एंड इट विल बिकम 2, ये पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट 2, 1, 0, ओनली 2, 1, 0 बची हैं, ये वाली हमारी नॉर्थ वेस्ट है, तो इसको हम 2 प्रोवाइड कर देंगे। इसे 2 हमारे क्यों हमने प्रोवाइड किया, क्योंकि हमारी डिमांड 2 थी, सप्लाई 6 थी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर 2 डिमांड है बट यहाँ पर कितना सप्लाई है, 4 है, तो हम इसको मिनिमम 2 है, तो 2 हमने इसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक। नाउ 2 फिर से बच गया, नाउ नेक्स्ट अगेन 2, ये हो गया, ठीक हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अनबैलेंस नॉर्थ वेस्ट मेथड, ये क्वेश्चन था हमारा। स्टेप नंबर 1 है चेक वेदर प्रॉब्लम इज बैलेंस और अनबैलेंस। सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2 ये था, कल स्पेस कम थी इस वजह से मैंने लिखा नहीं था, तो ये क्या है, यू हैव टू फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। आप क्या करते हैं यहां पर, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मैं लिख देती हूं इसे, ठीक है, फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक हो गया। हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप इज आपको क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट आपको निकालनी है, तो आई एम रबिंग दिस स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज यू हैव टू फाइंड आउट मिनिमम कॉस्ट, आपकी मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि हमारा जो भी ऑपरेशन रिसर्च है उसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि आप मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, लग हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो।
तो जहां जैसे कल बताया था तो वैसे इसे आप लिख लेंगे 2 × 5 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 3 प्लस 5 × 1 प्लस 1 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 ओके दैट इज 10 3 × 6 12 5 3 4 2 ठीक हो गया 16 16 × 4 = 20 20 30 32 एंड 34 34 35 36 37 and 42 हमारी मिनिमम कॉस्ट निकल गई मिनिमम कॉस्ट और दिस इज एन आंसर कुछ लोगों ने क्वेश्चन क्वेरी आई थी कि हमारा डीजेनरेसी मैम क्या होता है क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने डीजेनरेसी की बात नहीं करी थी कि उन्होंने कहा था डीजेनरेसी एंड नॉन डीजेनरेसी कैसे फाइंड आउट होती है तो आप यहां पर देखेंगे कैसे फाइंड आउट होती है आप क्या करते हैं इफ यू दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप कहां से इसमें इस तरीके का पाथ होना चाहिए कि यू विल गेट हियर अगेन यहां पर आप फिर से आ पाए तो दे और दैट विल बी इन 90 डिग्री ये मैंने सोचा था कि आपको यूवी मेथड एंड मोदी मेथड में बताऊंगी बट क्वेरी आई है तो प्लीज हैव अ लुक यहां पर से आपका पाथ हुआ ये देन 90 डिग्री में ही जाना है यहां भी जा सकते हैं और जहां एलोकेटेड पाथ वैल्यूज हैं ये भी एलोकेटेड वैल्यू है देन 90 हम इधर भी कर सकते हैं देन हमारा 90 अगेन यहां पर आ सकता है बट यहां से हम क्या यहां दोबारा जा सकते हैं क्या ऐसा कोई पाथ है जो हमें यहां दोबारा पहुंचा सकता है अगर यहां एलोकेशन होता अगर यहां एलोकेशन होता यहां पर हम इधर जाते और अगेन हम यहां चले जाते दैट इज डीजेनरेसी ठीक है अगर हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा से 90 डिग्री का इस तरह का पाथ बनाते हुए अगर वापस चले जाएं दैट इज डीजेनरेसी अगर नहीं होता है तो अगर हम नहीं जा पा रहे जैसे हम यहां पर नहीं जा पा रहे हैं अगेन यहां पर तो दैट इज नॉन डीजेनरेसी क्वेश्चन ठीक हो गया तो इतना समझ में आया आई थिंक मेरी जो आपने क्वेरी पूछी थी वो सॉल्व हो चुकी होगी कैसे हम इसे करते हैं नेक्स्ट जब मोदी मेथड एंड ये होगा उसमें क्लियरली हम इसको फॉर्मूले के साथ m प्लस n माइनस 2 इस तरीके से जो भी होता है या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व कर लेंगे एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है आपको इजीली समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते रहिए और ऐसी क्वेरी बार बार पूछते रहिए ताकि मैं उनको जो भी मेरा पार्ट छूट रहा है उसे आप क्लियर कर सकूं थैंक यू